वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड में फ्लेट कमांड क्या होता है, चैम्पर कमांड क्या होता है एंड ब्लेंड कर्व क्या होता है। तो यूजली ब्लेंड कर्व तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट फ्लेट एंड चैम्पर रियली बता दूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको कवर करूँगा, फ्लेट विथ रेडियस, फ्लेट विथ जीरो रेडियस, फ्लेट फॉर पॉली लाइन एंड नो ट्रिम, ट्रिम ऑप्शंस क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस क्या होता है, एज वेल एज आर्क के लिए फ्लेट ऑप्शन देखेंगे। सेम एज सारे ऑप्शंस हम चैम्पर में भी देखेंगे। चैम्पर में हमारे पास D1 एंड D2, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 ऑप्शंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड एंगल ऑप्शन क्या होता है, एंड लास्ट में ब्लेंड कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फ्लेट ऑप्शंस क्या होता है। जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये टू लाइन्स हैं, इन टू लाइन्स के बीच में जब हम फ्लेट क्रिएट करेंगे तो फ्लेट के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो समथिंग कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें ये कर्व के साथ में इन दोनों लाइन को एक कनेक्ट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लेट। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास इफ टू लाइन्स और हम यहाँ पे फ्लेट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। एंड देन यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए यहाँ पर भी हमारे पास टू लाइन्स हैं और इनके बीच में इफ मैं यहाँ पर फ्लेट क्रिएट करता हूँ तो फ्लेट कुछ इस तरीके से आएगा। एंड देन इसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने शार्प कॉर्नर को रिमूव कर दिया है, शार्प कॉर्नर यहाँ से रिमूव होकर कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो गया है। बट इनकेस हम स्लिट के अंदर जो नो ट्रिम ऑप्शन होता है उस नो ट्रिम ऑप्शन को चूज करते हैं तो देन हमारे पास एक आर्क भी जनरेट होगा, एज वेल एज आर्क के साथ में हमारे पास में इस तरीके का जो कॉर्नर है वो भी रहेगा। तो इन सम केसेस हमारे पास ड्रॉइंग में इस तरीके की नीड होती है कि हमें नो ट्रिम ऑप्शन को यूज करना होता है। तो ये तो था आपने देखा फ्लेट। फ्लेट बेसिकली फ्लेट का सिंपल कंसेप्ट है कि जो शार्प कॉर्नर है उनको रिमूव करके हम इस तरीके से एक स्मूथ कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेट। चैम्फर में भी हमारा पर्पस यही होता है कि हम जो शार्प कॉर्नर होते हैं उन शार्प कॉर्नर को रिमूव करके हम इस तरीके से प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली चैम्फरिंग या फ्लेट में आपको बता दूं ये दोनों ऑपरेशन हैं। इन दोनों ऑपरेशन का पर्पस यही है कि जो शार्प कॉर्नर होते हैं, शार्प कॉर्नर पर बेसिकली जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेट एंड चैम्पर का यूज करते हैं। तो चैम्परिंग में आप देखेंगे कि इस तरीके से जब हम कॉर्नर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर D1 ये वाला डिस्टेंस एंड D2 ये डिस्टेंस होगी। तो ये जो भी चीज़ें थी, चलिए हम इन सब ऑप्शंस को अब देख लेते हैं ऑटो कैड के अंदर। तो ऑटो कैड में किस तरीके से हमें फ्लेट कमांड को, चैम्पर कमांड को एंड ब्लेंड कर्व को परफॉर्म करना होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑटो कैड ओपन कर लिया है, स्क्रीन पर मुझे कुछ ड्राइंग दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कुछ ड्राइंग हैं जो मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, एज वेल एज हम इन पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो ऑटो कैड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्राइंग ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटो कैड में फ्लेट कमांड को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑटो कैड में फ्लेट कमांड कहाँ पर होता है। तो ऑटो कैड में मॉडिफाई पैनल्स पर जब आप जाएंगे, मॉडिफाई पैनल्स एंड होम टैब पर, तो यहाँ पर एक फ्लेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इस फ्लेट के बाजू में जो आपको इस आइकन के बाजू में ही आपको यहाँ एक आइकन दिखाई दे रहा है, जिस इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें आपको चैम्पर एंड ब्लेंड कर्व ऑप्शन भी दिखाई देंगे। फ्लेट का जो शॉर्ट की है दैट इज द एफ एंटर, एंड चैम्पर का जो शॉर्ट की है CHA, एंड देन ब्लेंड का शॉर्ट की नहीं है। तो सबसे पहले हम फ्लेट देख लेते हैं। फ्लेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका डायमेंशन 10 है, एंड देन वन मोर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली जिसका डायमेंशन 10 है। नाउ मैं यहाँ पर एक फ्लेट कमांड परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्लेट कमांड क्या होती है। फ्लेट कमांड का काम है कि ये जो शार्प कॉर्नर है इसको रिमूव करके यहाँ एक कर्व प्रोवाइड करना। तो फ्लेट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, फ्लेट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्लेट के आइकन पर जाकर क्लिक करिए या फिर आप एफ एंटर करिए। देखिए दोनों ही कंडीशन में आपके पास में यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट मैं आपको बता दूं अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बॉटम में देखेंगे रेडियस जो है दैट इज द जीरो रेडियस, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ कोई कर्व जनरेट नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी कभी आप फ्लेट कमांड पिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपको यहाँ रेडियस पर क्लिक करना है। रेडियस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर आर एंटर करेंगे, जब आप आर एंटर कर लेंगे
आर एंटर करने पर आप देखेंगे स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन आएगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। तो यहाँ पर मैं एक फिलेट रेडियस, जैसे मैंने टू फिलेट रेडियस दे दी है, टू एक वैल्यू है रेडियस, फिलेट रेडियस जो फिलेट जनरेट होगा उसकी रेडियस है, तो मैंने यहाँ टू एंटर कर दिया है। नाउ अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट करूंगा तो देखिए फिलेट आ रहा है। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि मैंने यहाँ पे एक 10 एंड वन मोर 10 का एक लाइन डिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। फिलेट कमांड के लिए यूज करने के लिए आप एफ एंटर करिए, देन आर एंटर। आर एंटर फॉर वॉट? टू डिफाइन रेडियस। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट टू रेडियस है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पर जो आपको अभी ये ड्राइंग एक्सप्लेन की है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेट रेडियस टू यूज किया था। नाउ मैं इसको थ्री कर देता हूँ, देन एंटर। अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करूंगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करूंगा, दोनों लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक फ्लेट जनरेट हुआ। मैं आपको बता दूं कि आपको बार बार फ्लेट रेडियस थ्री ही यूज करना है, तो देन एफ एंटर। आर एंटर आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ओल्ड रेडियस है वो थ्री है, तो देन आप यहाँ डायरेक्टली सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और एक आपके बीच में ये यहाँ पर एक कर्व जनरेट हो जाएगा। नाउ आपको बता दूं कि कभी आपको जैसे ये एक कॉर्नर यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इन केस आप फ्लेट रेडियस जीरो रखते हैं तो इसका भी एक बेनिफिट है। जैसे मैं एफ एंटर आर एंटर करता हूँ, फ्लेट रेडियस जीरो कर देता हूँ, देन जीरो फ्लेट रेडियस का एक बेनिफिट ये है कि जब आप दोनों लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर क्रिएट कर देता है। या फिर आपको बता दूं कि इस तरीके से जैसे ये टू लाइन्स हैं, आपको इनको ट्रिम करना है और यहाँ पर एक कॉर्नर क्रिएट करना है, देन एफ एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट करिए, तो क्योंकि फ्लेट रेडियस जीरो था दैट्स वाई इसने दोनों कॉर्नर को ट्रिम कर दिया। तो हम फ्लेट रेडियस जीरो का भी इस्तेमाल करते हैं यूजली कॉर्नर क्रिएट करने के लिए, बट जब आपको कॉर्नर रिमूव करना है विथ पर्टिकुलर रेडियस के साथ में एक आर्क जनरेट करना है, देन वी नीड टू डिफाइन रेडियस। तो इस तरीके से हम फ्लिट कमांड को परफॉर्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, फ्लिट के अंदर दो ऑप्शन और हैं। जैसे आप फ्लिट ऑप्शन को पिक करते हैं यहाँ से इस आइकन से क्लिक करके या एफ एंटर, देन आप रेडियस कुछ डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने एक रेडियस 1 डिफाइंड कर दी है, देन नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज द ट्रिम ऑप्शन। इफ आप इस ट्रिम ऑप्शन को पिक कर लेते हैं देन स्क्रीन पर आपको टू ऑप्शन दिखाई देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, इन केस आप इसको नो ट्रिम सेलेक्ट कर लेते हैं तो नो ट्रिम से क्या होगा, जब आप यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आर्क जनरेट हो गया, एज वेल एज ये आपको दोनों जो लाइन थी ये ट्रिम नहीं हुई है। बट यूजली जब आप ट्रिम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें ट्रिम ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। मैं फिर से डिफॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ, एफ एंटर, देन यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिम ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या फिर ट्रिम के लिए टी, इसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है टी एंटर कर दीजिए, देन आप ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। रेडियस मैं चेंज कर देता हूँ, 1 से 2 कर देता हूँ। रेडियस चेंज करने के लिए मैंने आर एंटर किया था। नाउ मैं सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रिमिंग परफॉर्म हो गया। तो इन सम केसेस हमारी नीड होती है कि हमें इस तरीके से एफ एंटर टी एंटर एंड नो ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें इस टाइप का कुछ फ्लेट रेडियस चाहिए जिसमें हमें कॉर्नर भी चाहिए और आर्क भी चाहिए, then we can use no trim option। तो आपको ये trim option, no trim option समझ में आ गया होगा। and then अब आपको बताता हूँ यहाँ पर fillet option in polyline। in case आपके पास polyline है, polyline क्या होती है मैं last class में आपको explain कर चुका हूँ, इससे पहले class में explain किया था कि polyline एक साथ select होती है। in case आप यहाँ पर fillet use करेंगे और radius by default 2 है, मैं 2 ही रहने देता हूँ, and then आप देखेंगे यहाँ bottom में मुझे एक option दिखाई दे रहा है, that is the polyline। इफ मैं पॉलीलाइन के लिए पी एंटर करूं या फिर पॉलीलाइन को पिक करूं, देन स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन आएगा सेलेक्ट पॉलीलाइन। इफ आप पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे देन आप देखेंगे सारे कॉर्नर पर फ्लेट परफॉर्म होगा, बट हमने यहाँ पे नो ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, दैट्स वाई हमारे पास में सारे कॉर्नर जो हैं वो वहाँ पर ट्रिम नहीं हुए। तो मैं यहाँ पर वंस अगेन फ्लेट ले लेता हूँ, देन टी एंटर, एंड इस बार नो ट्रिम को ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन रेडियस भी इंक्रीज कर देता हूँ, 4 इंक्रीज किया। नाउ पॉलीलाइन के लिए मैं यहाँ देखिए पी एंटर करने वाला हूँ, एंड इफ मैं यहाँ पर पॉलीलाइन को सेलेक्ट करूंगा तो एक साथ मेरे जितने भी कॉर्नर्स पॉलीलाइन में थे वो सारे के सारे फ्लिट परफॉर्म कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन है, तो मैं यहाँ पर एफ एंटर देन पी एंटर एंड रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पर एक साथ फ्लिट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो पॉलीलाइन ऑप्शन आपने देखा फ्लिट के अंदर, बट अभी इन केस कभी आपने लाइन से
इस तरीके से कॉर्नर क्रिएट किए हैं और आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम सेम रेडियस का फ्लिट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो देन आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्लिट ले लीजिए। फ्लिट रेडियस ऑलरेडी डिफाइन है, आप यहाँ पर बार बार एंटर करके फ्लिट रेडियस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए, एंटर करने से क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर लास्ट कमांड जो हमने यूज की थी वो रिपीट होती है। बट आपको बता दूं, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्लिट के अंदर एक ऑप्शन भी है, दैट इज द मल्टीपल ऑप्शन। इफ इस मल्टीपल ऑप्शन को आप पिक करते हैं, देन विदाउट एंटर यू कैन कंटिन्यू। देखो, ये फ्लिट जो आपकी फ्लिट कमांड थी, आप उसको कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से लाइंस के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन था, मल्टीपल ऑप्शन, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लिट में आपको मैं बता चुका हूँ पॉलीलाइन ऑप्शन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल, अंडू, यू नो दैट कि अंडू क्या होता है, कंट्रोल जेड। तो यूजली आपको कंट्रोल जेड ही आपको यूज करना है। अब देखते हैं चैम्पर ऑप्शन, तो चैम्पर के लिए भी मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर ली है। लाइन का डायमेंशन मैं यहाँ 50 एंड देन 50 ऑप्शन दे देता हूँ। 50x50 का मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ मैं यहाँ पर चैम्पर सेलेक्ट करता हूँ। चैम्पर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए CHA एंटर आप कर सकते थे और आप यहाँ पर फ्लिट के पास जो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर चैम्पर को सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन अभी आप देखेंगे यहाँ बाय डिफॉल्ट जो डिस्टेंस वन रेडियस है, डिस्टेंस वन है दैट इज द जीरो एंड डिस्टेंस टू है वो भी जीरो है। तो डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए आपको डिस्टेंस ऑप्शन को पिक करना है एंड देन यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस में यहाँ पर 20 दे देता हूँ एंड सेकेंड चैम्पर डिस्टेंस में यहाँ पर 10 देने वाला हूँ। तो हम जिस लाइन को पहले सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट लाइन है और जिस लाइन को सेकेंड सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंड लाइन है। तो आप अभी देखेंगे कि जिस लाइन को मैंने पहले सेलेक्ट किया था वहां से ये डिस्टेंस जो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस है और ये यहाँ पर ये जो सेकेंड लाइन हमने सेलेक्ट की थी, तो इस कॉर्नर जो यहाँ पे कॉर्नर था उस कॉर्नर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सेकेंड चैम्पर डिस्टेंस है। बट आपको बता दूँ, यूजली चैम्पर में दोनों ही डिस्टेंस एक सी होती हैं। तो मैं यहाँ पे डी एंटर करूंगा एंड 10 एंटर, वन सेकेंड 10 एंटर एंड नाउ मैं यहाँ पर चैम्पर क्लिक करूंगा। देखिए, चैम्पर के लिए मैंने सेम वैसे ही जैसे मैंने फ्लिट कमांड पे फ्लिट को परफॉर्म किया था, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया था, सेकेंड लाइन सेलेक्ट किया है, तो देन आप देखेंगे यहाँ पर चैम्पर परफॉर्म हो चुका है। तो वैसा ही है जैसा फ्लिट में था, बट ओनली फ्लिट में क्या होता था, यहाँ एक आर्क जनरेट होता था, चैम्पर में यहाँ पर इस तरीके का एक लाइन जनरेट हो रहा है। चैम्पर में एक और ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैम्पर के लिए मैं CHA शॉर्ट की यूज कर लेता हूँ एंड देन आप एंगल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर A एंटर। देन यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस एंड एक एंगल डिफाइन करना होता है। यूजली एंगल चैम्पर में 45 डिग्री होता है, तो मैंने 45 डिग्री दी है। जो डिस्टेंस है चैम्पर की डिस्टेंस वो है इस कॉर्नर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 जो मैंने डिफाइन किया था। और यहाँ 45 डिग्री जो एंगल था जो मैंने डिफाइन किया है वो बेसिकली ये है, यहाँ पर जो एंगल जनरेट होगा दैट इज 45। नेक्स्ट चैम्पर में भी बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जो आपने पॉलीलाइन ऑप्शन देखा था फ्लिट में, ट्रिम एंड देन मल्टीपल, मेथड ऑप्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिस्टेंस एंड एंगल, तो दोनों मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से हम चैम्पर कमांड को परफॉर्म करते हैं। देन अभी हम देख लेते हैं ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व ऑप्शन ये है, ब्लेंड कर्व यूजली जैसे एक लाइन सपोज ये है, एक और वन मोर लाइन ये है और इसके बीच में मुझे कर्व जनरेट करना है। देन आप ब्लेंड कर्व को सिलेक्ट करिए। ब्लेंड कर्व को सिलेक्ट करने के बाद एक इस लाइन को सिलेक्ट करिए और एक इस लाइन को सिलेक्ट करिए। तो जिस एंड पर आपने क्लिक किया था लाइन के, उस एंड से वो देखिए एक इस तरीके से कर्व ज्वाइन करेगा। सो दैट इज ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर आपको बता दूं, ब्लेंड कर वो खुद से ही सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि किस तरीके का कर्व जनरेट होगा। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये लाइन क्रिएट की थी एंड देन मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये सेलेक्ट करता हूँ, तो देन आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। तो ये था ब्लेंड कर्व। देन अभी हम देखने वाले हैं ये जो मैंने ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं इस क्लास में, उस पर बेस्ड हमारे पास कुछ ड्राॅइंग है, वो ड्राॅइंग ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एक ड्राइंग है सिंपल फ्लिट के लिए जिसमें एक डिफरेंट रेडियस है, तो वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। ये दो कॉर्नर हैं, ये नो ट्रिम ऑप्शन ट्रिम ऑप्शन के साथ में है और ये दो जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों नो ट्रिम ऑप्शन के थ्रू हैं। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका डायमेंशन 800x500। तो चलिए मैं यहाँ से 800x500 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन पर 800 बाय
500 का रेक्टेंगल आ रहा है, मैं उसको सेटिंग पहले थोड़ा सेट कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ उस ड्राइंग। सो नाउ मैंने इस ड्राइंग को स्केल कर लिया है क्योंकि मेरी जो लास्ट टाइम ड्राइंग ड्रॉ कर रहा था वो बहुत ही स्मॉल साइज की आ रही, सॉरी बहुत ही बड़ी आ रही थी इस साइज में। तो अभी देखिए यहाँ पर 800 बाय 500 का मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने आरई सी कमांड ले लिया है एंड देन यहाँ पर मैं 800 बाय 500 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन फिलेट के लिए एफ एंटर देन आर एंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉर्नर पे मैं फिलेट दे देता हूँ तो ये रेडियस गिवन है 100, तो यहाँ 100 ले लिया है। नाउ ये लाइन पर क्लिक करिए एंड सेकेंड लाइन दिस वन, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक फिलेट परफॉर्म हो गया है। नाउ अभी हम देखने वाले हैं ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है इस कॉर्नर पर फिलेट रेडियस कितना गिवन है, दैट इज द 115। तो एफ एंटर आर एंटर देन 150 देन एंटर। नाउ सेलेक्ट फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एंड नाउ यहाँ पर भी मुझे 150 ही फिलेट रेडियस देना था बट नो ट्रिम के साथ में, तो एफ एंटर देन टी एंटर नो ट्रिम। नाउ सेलेक्ट फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फिलेट परफॉर्म कर लिया। नाउ एफ एंटर आर एंटर 200 एंड नो ट्रिम ऑप्शन पहले से ही ऑन था। तो इस ड्राइंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है। देन अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ फ्लिट गिवन है तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। और तो ऑन करके मैं यहाँ पर 140 का एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ देन 120 आपको दिखाई दे रहा 140 120 एंड देन यहाँ पर होगा ये डायमेंशन 70 एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 एंड नाउ वंस अगेन 70 एंड देन। तो इस तरीके से मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है एंड देन यहाँ पर 30 एंड 20 रेडियस का फ्लिट परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, एफ एंटर आर एंटर एंड देन 30 एंड मेक श्योर दैट कि टी एंटर ट्रिम एंड ट्रिम ऑप्शन ऑन हो क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन परफॉर्म करना था। देन एफ एंटर आर एंटर 20 एंड देन इन दोनों कॉर्नर को सेलेक्ट किया और इस तरीके से मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। नाउ एक ये ड्राइंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। मैं किसी अनदर ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ क्योंकि फ्लिट जो है, मैं आपको बता दूँ कि फ्लिट आर्क के साथ में भी हम फ्लिट को परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में ये टू आर्क हैं, चलिए इस ड्राइंग को ही ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से हम आर्क के साथ में फ्लिट कमांड को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मुझे टू सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं जिसका डायमीटर है 47 एंड 70। तो सी एंटर डी एंटर 47 के साथ में मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है 47 डाया के साथ में। देन अनदर मैंने एक सर्कल ले लिया है, कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायमीटर गिवन है 70 एंड नाउ यहाँ पर आप देखेंगे एक आर्क दिखाई दे रहा है, ये आर्क जिसका सेंटर यहाँ पर होगा और जिसका रेडियस गिवन है 105। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से 105 का एंड देन वन मोर लाइन यहाँ से 105 का लाइन ड्रॉ करूंगा। वाई, या तो मैं 105 का लाइन ड्रॉ कर लूंगा या फिर इससे भी बेटर ऑप्शन था आप सी एंटर करके यहाँ सेंटर पॉइंट लेकर एक 105 का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एंड नाउ इस सर्कल के मेरे पास में टू क्वाड्रेंट पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट पॉइंट एंड वन मोर क्वाड्रेंट पॉइंट ये है। तो जो टॉप में क्वाड्रेंट पॉइंट होगा वहां पर 15 एंड 36 रेडियस के टू सर्कल ड्रॉ करने हैं। सेंटर पॉइंट ये टॉप में जो क्वाड्रेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, सर्कल ले लीजिए टू सर्कल 15 एंड 36 रेडियस का एंड देन यहाँ पर भी 47 एंड देन जो अंदर वाला जो सर्कल होगा इसका रेडियस कितना होगा वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दैट इज उसको मैं ले लेता हूँ ये जो सर्कल गिवन है इसके इक्वल 35। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल मैंने यहाँ लिया 47 रेडियस के साथ में और यहाँ पर वन मोर सर्कल 35 रेडियस के साथ में। तो यहाँ पर एक डायमेंशन मिसिंग था इस ड्राइंग में, मैंने अज्यूम कर लिया है दैट इज द 35 एंड नाउ इस सर्कल को आप चाहें तो इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये देखिए ट्रिम कर लेते हैं। सो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इन आर्क, मैंने टी आर डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर लिया है। अभी आप देखेंगे ये जो आर्क दिखाई दे रहा है वन मोर ये वाला आर्क एंड देन लास्ट वन ये वाला आर्क, ये सारे आर्क फ्लिट से जनरेट हुए हैं। कैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लिट रेडियस 36 ही है तो देखिए यहाँ पर एफ एंटर आर एंटर 36 करना है एंड देन इस आर्क पर जो आउटर वाला आर्क है इस सर्कल पर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर कहीं पर क्लिक किया, तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है वो आपको क्लिक करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सर्कल है आपके पास दोनों सर्कल थे
एंड जो ड्राइंग आपको गिवन है उसमें आप देखिए कि कहाँ पर कहाँ से आर्क स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 रेडियस गिवन था, तो इस तरीके से मैंने एक फिलेट जनरेट कर लिया है एंड देन यहाँ पर भी एक आर्क जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिलेट। 82 फिलेट रेडियस गिवन है, तो चलिए देखिए कैसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। एफ एंटर, आर एंटर, 82 एंड नाउ इस आर्क पर यहाँ पर कहीं क्लिक किया एंड देन यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे आप एक आर्क जनरेट हो चुका है एंड देन यहाँ पर 94 फिलेट रेडियस गिवन है। एफ एंटर, आर एंटर, 94 एंड देन आप देखेंगे इस आर्क पर मैंने क्लिक किया एंड देन इस आर्क पर ये वाले सर्कल पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक आर्क जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आर्क दिखाई दे रहे हैं, ये आर्क हम बेसिकली फिलेट से जनरेट करते हैं एंड देन इसमें आपको बता दूं लाइन विड्थ आपको देना होगा, तो वो लाइन विड्थ मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ एंड देन ये कुछ ड्राइंग दिखाई दे रहा है, तो ये ड्राइंग भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा। इस ड्राइंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ऑफसेट कमांड एंड देन ज्वाइन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए मैं एक 30 रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया जो आपको ये दिखाई दे रहा है। आउटर प्रोफाइल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओनली आउटर प्रोफाइल एंड आउटर प्रोफाइल के बाद आप देखेंगे यहाँ से एक सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, दैट इज द 80। तो मैंने यहाँ से एक लाइन पिक कर लिया, लाइन का मैंने यहाँ पर 80 डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड देन यहाँ पर ये पॉइंट से ये पॉइंट टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज द 20। तो यहाँ पर मैं अपर डायरेक्शन में 10 पर जाऊँगा एंड देन राइट साइड में मैं यहाँ पर एक देखिए एक लाइन को ओरिएंटल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर एक फिलेट रेडियस गिवन है, दैट इज द इसका डायमेंशन गिवन नहीं था कितना लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने कुछ भी डायमेंशन ले लिया है। देन यहाँ पर एफ एंटर, 20 एंटर से मैं यहाँ पर एक फिलेट आर्क जनरेट कर लूँगा, देखिए आर्क जनरेट हो गया एंड नाउ इसको मैं मिरर कमांड के थ्रू मिरर परफॉर्म कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इस ड्राइंग को मैंने ड्रॉ कर लिया है, लास्ट में मैं ट्रिम कमांड को परफॉर्म करूँगा एंड देन ये जो प्रोफाइल दिख रहा है इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जे एंटर, देन आपको एक इनर में प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस प्रोफाइल के बीच में और आउटर प्रोफाइल के बीच में जो डिस्टेंस है उस वो डिस्टेंस है 4। तो मैं यहाँ ऑफसेट कमांड ओ एंटर, 4 एंटर और ये देखिए मैंने इस तरीके से इनसाइड में क्लिक किया तो ये एक और वन मोर प्रोफाइल मेरे सामने क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आपको जो पिछली कुछ क्लासेस बताई थी और इस क्लास के कॉम्बिनेशन से ये ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाया है। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं डायमेंशनिंग की क्लास, डायमेंशनिंग 1, क्योंकि डायमेंशनिंग इटसेल्फ मुझे लगता है इसकी डायमेंशनिंग की मैं 3-4 मिनिमम क्लासेस लूँगा। तो ये फर्स्ट क्लास होगी, ये एक बेसिक क्लास होगी जिसमें बेसिक डायमेंशनिंग किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।